वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी संस्कृत का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे, मतलब 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चतुर वानर, मतलब चतुर बंदर। ये एक कहानी है जिसका सारांश पढ़ेंगे हम। एकस्मिन नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत, मतलब एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन एक वानर प्रतिवसति स्म, वहाँ पर एक बंदर रहता था। सह नित्यम जम्बू फलानि खादति स्म, वह हमेशा जामुन के फल खाता था, मतलब जामुन खाता था। कश्चित मकर तस्य मित्रम आसीत, एक मकर जो था, मगर जो था, वो उसका मित्र बन गया। सह वानर प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानि ददाति स्म, मतलब वह वानर, वह बंदर जो था, प्रतिदिन उस मगर को जामुन के फल दिया करता था। अतः स मकर तस्य वानरस्य प्रियं मित्रम अभवत, इसलिए जो मगर था वो वानर का, बंदर का प्रिय मित्र बन गया। एकदा मकर कानिचित जाम्बू फलानी स्वपत्ये अयचत, एक बार क्या होता है कि मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन के फल ले जाता है। तानी खादित्वा, वो जामुन के फल खाकर उसकी पत्नी, तानी खादित्वा तस्य पत्नी अचिंतियत, वो जामुन के फल खाकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अहो सह वानरम वानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बू फलानि खादति, मतलब वो वानर जो है, वो बंदर जो है, वो प्रतिदिन मीठे जामुन के फल खाता है। अतः नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, मतलब वो रोज मीठे फल खाता है जामुन के, इसलिए उसका जो हृदय है वो भी बहुत मीठा होगा। सा स्वपत्नी अवदत, वह अपने पति से बोलती है, वो प्रतिदिनम मधुराणि जम्बू फलानी खादित्वा तव वानरस वानर मित्रम हृदयम कियत मधुरम स्यात्, मतलब जो बंदर प्रतिदिन मीठे जामुन के फल खाता है तो उसका हृदय कितना मीठा होगा। तस्य हृदयम खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, अगर मैं उसका हृदय, तस्य हृदयम खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, मतलब अगर मैं उसका हृदय खाऊंगी तो मेरा हृदय भी कितना मधुर हो जाएगा, यह उसके पति से वो बोलती है। तत् यदि माम जीविता द्रष्टुम, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो, ताही तो आनय शीघ्र तस्य वानरस्य हृदयम, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही मुझे उस बंदर का हृदय लाकर दो। यह कौन कहता है? उसकी पत्नी, मगर की जो पत्नी रहती है वो अपने पति से कहती है। मकर स्वपत्नी बहुविधे उपाये निवारितवान, मगर जो रहता है वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है। पर सा दृढ़ निश्चया आसीत, पर वो जो थी वो दृढ़ निश्चय करके बैठी थी कि मुझे वानर का, बंदर का हृदय चाहिए। विवश मकर स्वमित्रम वानरम प्रति गत्वा अवदत, वो विवश होकर बंदर जो मकर जो रहता है वो उस बंदर के पास जाता है और उससे कहता है, मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि, कि हे मित्र प्रतिदिन मैं यहाँ पर आता हूँ। अद्य त्वं मम गृहमा गच्छत, आज तुम मेरे घर चलोगे, वो उससे कहता है कि प्रतिदिन मैं तुम्हारे घर आता हूँ लेकिन आज तुम मेरे घर चलोगे। वानरः प्रत्युवाच, त्वं जले वससि कथम अहम् तत्र गन्तुं शक्नोमि, वानर कहता है, बंदर कहता है मगर से कि तुम तो जल में रहते हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। मकरः अवदत, जब मगर उससे कहता है, अलम चिंतिया, तुम चिंता मत करो, त्वं मस मम पृष्ठोप उपरि उपविशत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। अहम त्वाम नेश्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मतलब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा। यदा तो नदा मध्य भागे स्थितो तदा मकर वानरम अवदत,
जैसे ही बंदर मगर जो रहता है वो नदी के मध्य उसको बंदर को ले जाता है और उससे कहता है, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अतः त्वा मम गृहं नयामि, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। कौन कहता है? मगर बंदर से कह रहा है कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। मकरस्य वचनेन वानरः भीत, मगर का जब वचन सुनता है बंदर तो वो डर जाता है, मतलब उसको डर लगने लग जाता है कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है। किंतु चतुर वानरः शीघ्रम अवदत, लेकिन जो बंदर रहता है वो बहुत चतुर रहता है, वो उससे शीघ्र बोलता है, रे मित्र, कि अरे मित्र, मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, कि अरे मित्र, मेरा हृदय जो है वो तो वृक्ष की कोटर में रह गया है, अतः त्वम शीघ्र मा तत्र नय, इसलिए तुम मुझे शीघ्र वापस अपने घर ले जाओ। अहम प्रमुदित मना मम हृदयम तुभ्यम दास्यामि, मैं प्रसन्न मन से अपना हृदय जो है वो तुम्हें दे दूंगा, पर मेरा जो हृदय है वो वृक्ष की कोटर में रह गया है, इसलिए तुम मुझे वहां पर वापस से ले चलो। मकर वानरम पुनः तस्यावासम, मगर जो रहता है वो बंदर को वापस से उसके घर ले जाता है। चतुरह वानरह शीघ्र कुर्दित्वा वृक्षों उपरि आरुत, जो बंदर था वो बहुत चतुर था, वो क्या करता है कि शीघ्र ही कूदकर वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वानरह उच्चे हसित्वा मकरम अवदत, बंदर जोर से हंसता है और मगर से कहता है, रे मूर्ख, कि अरे मूर्ख, किम हृदयमपि कदापि शरीरात पृथक भवति, क्या किसी का हृदय शरीर से अलग होता है क्या? कि तुम कितने मूर्ख हो, इतना नहीं समझते हो कि किसी का जो शरीर, किसी का हृदय शरीर से अलग होता है क्या? तुम मूर्ख असी, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इतम पर इतह पर त्वया सम मैत्री समाप्ता, यह कहकर उस बंदर से, बंदर जो है वो मगर से कहता है कि आज के बाद तुम्हारी और मेरी जो दोस्ती है वो समाप्त हो गई। इति उक्त्वा वानर पुनः मधुराणी जम्बू फलानी अभक्ष्यत, यह बोलकर बंदर जो रहता है वो पुनः, मतलब वापस से मीठे जामुन के फल खाने लग जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विश्वासो ही ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सो हृदयम, यस्मिन्ने वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री व संभवा, मतलब जिसके बीच विश्वास नहीं होता है वहाँ पर मित्रता संभव नहीं होती है। यस्मिन् विश्वास तस्मिन् मित्रता कथम, मतलब जिसके बीच विश्वास नहीं है उसके बीच में मित्रता संभव कैसे हो सकती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखत, आपको एक पद में उत्तर लिखना है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है, जम्बू वृक्षः कुत्रः आसीत्, जम्बू वृक्ष जो था, जामुन का जो पेड़ था वो कहाँ पर था? तो इसमें उत्तर आएगा नदी तीरे, नदी तीरे मतलब नदी के किनारे। फिर दूसरा प्रश्न है इसका, कह प्रतिदिनम जम्बू फलानि खादति स्म, मतलब जामुन के फल प्रतिदिन कौन खाता था? तो इसका उत्तर आएगा वानरः, मतलब बंदर प्रतिदिन जो था वो जामुन के फल खाता था। तीसरा प्रश्न है इसका, वानरस्य मित्रम कह आसित, मतलब बंदर का मित्र कौन था? तो इसका उत्तर आएगा मकरः, मगर जो था वो बंदर का मित्र था। चौथा प्रश्न है इसका, का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति, मतलब बंदर का हृदय कौन खाना खाने की इच्छा रखता था, कौन खाना चाहता था? तो इसमें आएगा मकरस्य पत्नी, मतलब मगर की जो पत्नी थी वो बंदर का हृदय खाना चाहती थी। अब आएगा प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, वानरः कस्मे जम्बू फलानि ददाति स्म, बंदर जो रहता है वो जामुन के फल किसको देता है? तो इसका उत्तर आएगा, वानरः मकराय जम्बू फलानि ददाति स्म, बंदर जो था वो मगर को जामुन के फल देता था। दूसरा प्रश्न है इसका,
मकरह कस्य जम्बू फलानी अयच्छत, मगर जो था वो जामुन के फल किसको देता है? तो इसमें आएगा मकरह स्वपत्ये जम्बू फलानी अयच्छत, मगर जो था उसने जामुन के फल किसको दिए थे? अपनी पत्नी को। तो स्वपत्ये जम्बू फलानी अयच्छत। फिर तीसरा प्रश्न है इसका, वानराह कीदृशानी फलानी खादति स्म, बंदर जो था वो कैसे फल खाता था? इसमें आएगा वानरह मधुराणी फलानी खादति स्म, बंदर जो था वो मीठे फल खाता था। प्रश्न नंबर चौथा है इसका, नदा मध्ये मकरह वानरम किम अवदत, नदी के मध्य में बंदर वानर मकर जो रहता है वो बंदर से क्या कहता है? तो वो कहता है नदा मध्ये मकरह वानरम अवदत, नदी के मध्य में मगर जो रहता है वो बंदर से कहता है मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मतलब मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अतः त्वाम मम गृहं नयामि, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। ये उसकी वो ये मगर जो रहता है वो बंदर से कहता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इसका, रिक्त स्थानानी पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें मधुरम फलम, फिर मधुरे फले और मधुराणी फलानी, तो इसी तरह से बनेगा जैसे शुष्कम पत्रम, शुष्के पत्रम, शुष्कानी पत्राणी, है ना। फिर इस तरह से रक्त कमलम, रक्ते कमले और रक्तानी कमलानी। और फिर ग वाला प्रश्न है, निर्मलम हृदयम, निर्मले हृदये और निर्मलानी हृदयानी हृदयति। फिर है स्वस्थ शरीरम, स्वस्थे शरीरे स्वस्थानी शरीराणी। इसके बाद आएगा सुंदरम ग्रहम, सुंदरे ग्रहे और सुंदराणी ग्रहाणी। ये हो गया रिक्त स्थानानी पूर्यत। प्रश्न नंबर चौथा है इसका, ध्यानेन वाक्यम पठित्वा पुनः लिखत, ध्यान से वाक्य को पढ़कर पुनः लिखना है, जैसे वानरह वृक्षे अवसत, तो इसमें आएगा वानरह वृक्षे वसति स्म, अवसत मतलब हट जाएगा, उसमें आ जाएगा वसति स्म। इसी तरह से निखिलह ग्रहम अगच्छत, तो इसमें आएगा निखिलह ग्रहम गच्छति स्म। फिर है रामह वने अवसत, तो इसका बन जाएगा रामह वने वसति स्म। फिर है पिता पुत्रम अवदत, तो इसमें आएगा पिता पुत्रम वदति स्म। प्रश्न नंबर चौथा है, सा उच्चेह अहसत, तो इसमें आएगा सा उच्चेह हसति स्म। अब है प्रश्न नंबर पांचवा, उदाहरण अनुसृत्य लिखत हो, जैसे खाद प्लस कत्वा, क्या बना? खादित्वा। जैसे मकरह जम्बू फलानी खादित्वा प्रसन्न अभवत, इसी तरह से आपको और वाक्य बनाना है, उसके फिलअप में आपको फिल करना है। जैसे बालक विद्यालय पाठम पठती, तो इसमें क्या आएगा? गम प्लस गत्वा, क्या शब्द बना पूरा? गत्वा, तो इसमें आएगा बालक विद्यालय गत्वा पाठम पठती। इसी तरह से बालिका उच्चे हसित्वा वदती, है ना, तो इसमें क्या आएगा? हसित्वा। फिर है वानरह वृक्षे तिष्ठति, तो कुर्द प्लस कत्वा, क्या बना? कुर्दित्वा। फिर आएगा बालकः पाठं खेलति, बालकः पाठं पठित्वा खेलति, तो ये जो है पठित्वा, ये शब्द कहाँ आ जाएगा? इसमें फिलअप में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर पांचवा। अब है प्रश्न नंबर छठा, उचित क्रियापदम योज्यत, ये फिलअप के ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको इसमें फिल करना है। तो इसमें आएगा त्वं कुत्र गमिष्यसि, दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आएगा गमिष्यसि, है ना। अब दूसरा प्रश्न, इसमें अहम पत्र लेखिष्यामि, इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेखिष्यामि और लेखिष्यन्ति, तो क्या आएगा इसमें? लेखिष्यामि। फिर है वयम पुष्पाणि आनेष्याम, तो इसमें आनेष्यन्ति और आनेष्याम दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आएगा आनेष्याम। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, यूयम कदा वदिष्यथ,
वदिष्यसि और वदिष्यत, तो क्या आएगा वदिष्यत। फिर है सह फलम आगमिष्यति, खादिष्यामि और आगमिष्यति, तो इसमें क्या आएगा आगमिष्यति। फिर है ते उच्चेह हसिष्यन्ति, हसिष्याम और हसिष्यन्ति, तो इसमें आएगा हसिष्यन्ति। फिर है किम युवाम भोपाल नगरे वसिष्यत, वसिष्यत और वसिष्यत, तो इसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा वसिष्यत। फिर है आवाम पाठम पठिष्याम, है ना, क्या आएगा आवाम पाठ पठिष्याम। फिर आएगा तो विद्यालयम आगमिष्यत, इसके ऑप्शन में इसके फिलअप में आएगा तो विद्यालयम आगमिष्यत। ये हो गया आपका पाठ, पूर्ण हो चुका है। अब आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है और कहानी का सारांश लिखना है। धन्यवाद।